नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोगनविलिया के पौधे की कि अब ये अपने फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंच चुका है पौधा। इसमें फ्लावरिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, पौधा नई ग्रोथ ले रहा है अपने डोरमेंसी पीरियड से निकल कर। तो क्या कंपोस्ट हमें इसमें डालनी चाहिए, कैसे डालनी चाहिए कि पौधा ढेर सारा फ्लावर से हमेशा भरा रहे पूरे समर सीजन में। तो बोगनविलिया का पौधा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि तेज गर्मियों में भी अच्छी फ्लावरिंग देता है। और आप देख सकते हैं मेरे इस पौधे में आज फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो गई है और ढेर सारी नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। इसमें मैं दिखाऊं आपको कि ढेर सारे नई देखिए फ्लावर्स निकलने लगे हैं। तो बोगनविलिया दोस्तों ऐसा पौधा है कि हमेशा इसमें जो भी फ्लावर्स आते हैं वो नई जो ग्रोथ होती है पौधे की उसी में फ्लावर्स आते हैं। पुराने जो ग्रोथ है, पुरानी ब्रांचेज हैं, उनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि बोगनविलिया में आपको इसकी प्रूनिंग करते रहना है कि नई ग्रोथ इसमें होती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ये देखिए दोस्तों कुछ कबूतर जो मेरे छत पे, चूंकि ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो ये भी घूमते रहते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला और जरूरी काम है मैं आपको बता दूं कि आपको अपने पौधे की करनी है प्रूनिंग। अब प्रूनिंग दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि अभी आप हार्ड प्रूनिंग कर दें, पर मेरा मानना है कि हार्ड प्रूनिंग इसमें जो करना था आपको जनवरी तक ही करना था। अब चूंकि अगर हार्ड प्रूनिंग करेंगे आप तो पौधे की ग्रोथ लेट हो जाएगी और लेट होने के बाद नई ब्रांचेस निकलने में समय लगेगा। जितना टाइम लगेगा उतना लेट फ्लावरिंग आपको मिलेगा। और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ जाती हैं तो फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके लिए अब हमें इसमें सिर्फ लाइट प्रूनिंग करनी है, नॉर्मल प्रूनिंग करनी है। तो ये देखिए जैसे ये ब्रांचेज हैं मेरे, इनमें कुछ फ्लावर्स तो हैं पर मैं इन्हें प्रून कर दूंगा ताकि मुझे नीचे की ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इन सब में मुझे फ्लावर्स मिले। तो मैं इन्हें यहाँ से ये देखिए प्रून कर दूंगा। आपको डिपेंड करता है ये आप पे कि आप पौधे की शेप कैसा लेना चाहते हैं। देखिए बोगनविलिया दोस्तों अगर आप इसे प्रून नहीं करेंगे तो ये बेल के रूप में आपको लता हो जाएगी और जितनी ऊपर तक आप चाहेंगे ये आप उसे ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरा पौधा है, मैं इसे प्रून नहीं करूँगा, इसको मैं अपने छत पे टेरेस पे चढ़ाऊँगा ऊपर। तो इस प्रकार आप इसमें प्रूनिंग कर दीजिए ताकि आपको ढेर सारी फ्लावर्स मिले। अब जो दोस्तों दूसरा और इम्पॉर्टेंट काम है कि हमें इसकी जो पॉट है इसकी हल्की गुड़ाई कर लेनी है। देखिए मैंने गुड़ाई कर रखी है ऑलरेडी अपने सभी पॉट में, तो इसकी हमें गुड़ाई कर लेनी है अच्छे से। और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों जो भी इसमें आपको एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह दिखाई दे रही हो इन्हें आप निकाल लें। और ये जो नीचे की आप देखिए नीचे से ग्रोथ एकदम जड़ के पास से हो रही है, इन्हें आपको प्रून करके हटा देना है, इन्हें नहीं रखना है। ये सारी जो एकदम नीचे से निकल रही है ग्रोथ, इन सब ग्रोथ को आपको हटा देना है। फिर दोस्तों आपने गुड़ाई करने के बाद आते हैं अपनी जो मेन चीज़ है कि हमें अभी क्या कंपोस्टिंग करनी है। तो मैं दिखाऊं आपको दोस्तों, मैं जो अभी कंपोस्टिंग कर रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि मैं क्या कंपोस्टिंग कर रहा हूं। ये देखिए ये दो चीज़ें हैं जो मैं मिला के इसमें दे रहा हूं, एक गाय के गोबर से बनी हुई कंडे से लिक्विड कंपोस्ट और दूसरा प्याज के छिलके से बनी हुई लिक्विड कंपोस्ट। दोनों को मैं बराबर मात्रा में मिला के और फिर साफ पानी में मिला के इसे इन गमलों में दे रहा हूँ, जिससे इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी सुपर हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों ये मेरा 1 लीटर का मग है जिसमें मैं ये प्याज के छिलके से बनी हुई कंपोस्ट, प्याज के छिलके से कंपोस्ट कैसे बनाएं वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है प्याज के छिलके से लिक्विड कंपोस्ट बनाना, घर के वेस्ट होता है उससे आप बहुत ही अच्छा कंपोस्ट अपने पौधों के लिए बना सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरा गाय के गोबर कंडे से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके
उसे भी देख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को दोस्तों, दोनों ही कंपोस्ट को हमने बराबर मात्रा में मिला लिया है। अब मिलाने के बाद इसे हम, ये देखिए हमारा वाटर कैन है। अब रेशियो इनका वही रहेगा 1:4 का, 1 लीटर हमारा ये कंपोस्ट और इस कंपोस्ट में हमने 4 लीटर पानी मिलाना है, मतलब 1 भाग हमारा कंपोस्ट का और देखिए 4 भाग हम इसमें नॉर्मल वाटर मिलाएंगे और इसको इन पौधों में, क्योंकि मेरे गमले 3 हैं तो तीनों में मैं, आप जैसे वाटरिंग करते हो जिस रेशियो में पौधे में, उसी रेशियो में आपको इसमें ये लिक्विड कंपोस्ट दे देना है। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि आपको लिक्विड कंपोस्ट भी उतने ही देना है कि पौधे की, गमले की पूरी मिट्टी जो है गीली हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए हमारी लिक्विड कंपोस्ट हमने रेडी कर ली है और इसे अब हमने इस तीनों गमलों में दे देना है। प्याज का छिलका दोस्तों पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और जो गाय के कंडे से बना, गोबर के कंडे से बना हुआ हमारा लिक्विड कंपोस्ट है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो उससे जो हमारे रूट का ग्रोथ सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए हम ये दोनों लिक्विड कंपोस्ट को आपस में मिला लेते हैं एक बराबर मात्रा में और फिर उसे हम अपने पौधे में फीड कराते हैं। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पौधे की ग्रोथ देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे कि इतनी अच्छी ग्रोथ आपका पौधा ले रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई कमेंट हो आपका तो उसे ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।